कोंटा विधानसभा में लखमा ने बनाया रिकॉर्ड। इस दौरान लखमा पांचवी बार जीत हासिल की। वहीं 2008 में बस्तर से कांग्रेस के एकमात्र विधायक रहे, जबकि इससे पहले सीपीआई से मनीष कुंजाम ने दो बार चुनाव जीता और भाजपा इस सीट से खाता भी नहीं खोल पाई। इधर जीत की खबर फैलते ही भारी संख्या में समर्थक जुटे और आतिशबाजी के साथ विजय जुलूस भी निकाला गया। लगातार पांचवी बार कवासी लखमा विधायक बनकर रिकॉर्ड बनाया है। 1998 में जहां दो बार सीपीआई के मनीष कुंजाम विधायक थे, उन्हें हराकर पहली बार कवासी लखमा विधायक बने। उस समय मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। उसके बावजूद कवासी लखमा ने 2003 का चुनाव भी जीता, जब 2008 में बस्तर की सीट से भी कांग्रेस हार चुकी थी, लेकिन कवासी लखमा का विजय रथ कायम रहा और वो चुनाव जीते। इस तरह 2013 में भी पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार की लहर थी, लेकिन कवासी लखमा का विजय रथ बरकरार रहा और अब 2018 में जीत कर पांचवी बार विधायक बने। पांचवी बार जीत हासिल होने पर लखमा के समर्थक बैंड बाजा के साथ मैगना स्थल पहुंचे। वहीं कवासी लखमा के जीत तय होने के बाद कवासी लखमा बाहर आए और सीधे अपने समर्थकों के पास गए। समर्थकों ने पिकअप पर बैठाकर पूरे नगर में आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला। आज छत्तीसगढ़ में इतासी जीत हुआ है। हमारे सुकमा जिला कोंटा विधानसभा के सभी मतदाता, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, मेरे को 5 बार चुनाव जीतवाया है। दूसरा, आने इस चुनाव जीतने में हमारे देश का नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भूपेश बघेल जी, प्रतिपक्ष के उप नेता टीएस सिंहदेव और कार्यकर्ता 15 साल वनवास लिया है, आज वनवास खत्म हुआ और हमारे छत्तीसगढ़ में सुख शांति विकास होगा। अच्छा, आप दादी 5 बार चुनाव जीते हैं, क्या लगता है इस बार आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, इस पे क्या कहेंगे? मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस पार्टी कोई भी हुक्म करेगा, दरी बिछाने का काम करेगा तो दरी बिछाएंगे, झंडा उठाने का काम करेगा झंडी उठाएंगे, जो भी काम देगा उसका कांग्रेस पार्टी का पालन करूंगा।